फिर से जो है आंसर की फाइनल आंसर की डाल दिया गया है। अब उम्मीद कीजिए कि अब आपका रिजल्ट बहुत जल्द ही प्रकाशित होने की चांस बन रही है, क्योंकि फाइनल आपका आंसर की डाल दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। और उम्मीद कीजिए कि 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, अब उम्मीद ही हम बोल सकते हैं, क्योंकि कंफर्म डेट जो है हम लोग को जहां तक की पता था कि 15 तक रिजल्ट आ जाएगा हर हालत में, लेकिन नहीं आया, तो अब कुछ भी अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि आयोग है, बहुत सारे काम होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा होगा। ठीक है, हम लोग आप लोग अपने बारे में केवल सोचते हैं, लेकिन वहाँ तो एक कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी गलत तरीका से रिजल्ट अगर आ जाता है तो आपका भी समस्या हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ चूंकि आयोग है, अगर कोई तरह का गड़बड़ी हो गया तो उस स्थिति में उस पर आरोप लग जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा देर से भी आए, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लेट भी आए, लेकिन दुरुस्त आना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की कमियाँ रिजल्ट में या गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, वो यहां पे महत्वपूर्ण है। टाइम तो आपके पास दो टाइम है ही, टाइम तो आपके पास दो टाइम है ही, और आप किसी भी टाइम पे भी देख सकते हैं। देखिए ये टाइम क्या होता है, या तो शाम में 4:30 से 6 या रात में 8:30 से 10। ठीक है, मॉर्निंग में भी मैंने प्रयास किया कई बार, तो मॉर्निंग में भी आप लोग लेना नहीं चाहते, चूंकि आप लोग खुद व्यस्त रहते मॉर्निंग के टाइम पे, अगर आप कहेंगे तो मॉर्निंग भी ले सकते हैं, तो दोपहर में, तो आप लोग देखिए, कुछ लोग को प्रॉब्लम कुछ टाइम से है तो वो बाद में भी कंटेंट में पड़े हुए वीडियो को देख लिया कीजिए। टाइम ऐसे मेरे समझ से ठीक टाइम है 4:30 से 6, रात में 8:30 से 10। अगर आपको लगता है टाइम चेंज होना चाहिए तो आप लोग अगर आप हमें मैसेज करेंगे पर्सनल, ठीक है, नंबर पर आप कीजिए, देखते हैं कितनी संख्या में आप लोग को चेंज टाइम चाहिए और किस टाइम पर चाहिए, वो भी आप लिख के भेजिएगा, तो मैं उसके हिसाब से अपना टाइम जो है चेंज करूँगा। फिलहाल चूंकि आप 2-4 लोग को अगर टाइम का चेंजिंग होना चाहिए, देखिए आप बोल रहे हैं कि मॉर्निंग में होना चाहिए, ठीक है, तो सब लोग को मॉर्निंग पसंद नहीं होगा, सब लोग मॉर्निंग में लेना नहीं चाहेंगे, बहुत वर्किंग भी लोग हैं, सुबह में काम करने भी जाते होंगे, बहुत लोग स्कूल में जाते हैं, टीचर हैं, तो उनके लिए भी समस्याएं हो जाती है, तो हमको तो सबको लेके चलना है, इसीलिए आप लोग अपना लिख के भेजेंगे, देखेंगे जो भी टाइम आप लोग ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो वो टाइम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए टाइमिंग जो फिलहाल है वो 8:30 से 10 रात्रि वाला तो बहुत अच्छा टाइम है, उस टाइम पे लगभग लोग घर में ही रहते हैं, और खाना बनाते बनाते भी महिलाएं जो भी हैं, गर्ल्स लोग हैं, वो देख सकती है, पुरुष लोग भी जो है आराम से शाम में कह सकते हैं कि 8:30 से 10। हाँ, ये वाला टाइम थोड़ा सा हो सकता है मार्केटिंग करने जाना है, घूमने जाना है, तो आपका थोड़ा सा, लेकिन मेरा प्रयास होता है कि आपको अगर 4:30 से स्टार्ट करते हैं तो 5:30 बजे तक छोड़ ही देते हैं, 5:30 5:45 मैक्सिमम, बहुत करेंगे तो कल से हम 4 कर देंगे टाइम, तो 4 से 5 बजे, 4 से 5:15 या 5:30 तक ही होगा, उसके बाद आपके पास प्रॉपर टाइम मिल जाता है घूमने टहलने का, मार्केट जाने का। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका मौलिक अधिकार। पॉलिटी में आप लोगों ने देखा कि पिछले क्लास में हमने नागरिकता पढ़ाया था आपको, और नागरिकता से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार के बारे में आप लोग को पता है ही, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, एक वैसे अधिकार जो भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिससे कि उसका सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कह सकते हैं सर्वांगीण विकास हो। एक प्रकार से मौलिक अधिकार को देखा जाए तो एक प्रकार से नैसर्गिक अधिकार है जो कि प्रकृति ने भी मनुष्य को दिया है। आपकी आपके देश ने ही ना केवल आपको मौलिक अधिकार दिया है बल्कि आपकी प्रकृति ने भी आपके साथ इन मौलिक अधिकारों का ध्यान रखते हुए आपको वह शक्ति दिया है, पावर दिया है जिससे कि आपका सर्वांगीण विकास हो। कभी आप देखते हैं किसी के पास जो है 2 हाथ के जगह जो है 4 हाथ हो जाए, एक्सेप्शन केस है, वो विकलांगता में आ जाता है। सबको प्रकृति ने एक शरीर दिया, एक मुंह दिया, 1-2 कान दिए, जिस प्रकार से आप देखते हैं तो प्रकृति ने भी आपके साथ समता का अधिकार दिया है। ठीक है, लगभग कुछ लोग विकलांग हो जाते हैं तो वो अलग बात है, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो ये जितने भी मौलिक अधिकार की जो चर्चा हम लोग करते हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार,
जब आप धरातल पे जन्म लेते हैं, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि आपको कैद में रखा जाता है या कोई भी जानवर, ठीक है, हम आप उसको कैद कर लेते, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो स्वतंत्र ही रहते हैं। भले हम लोग उसको कैद करके चिड़ियाघर में रख दें, वैसे तो आपको भी कोई कैद करके रख सकता है, ठीक है। तो वही सब जो आपके अधिकार हैं, जो वास्तव में नैसर्गिक अधिकार हैं, प्राकृतिक ने आपको दिया, प्रकृति ने आपको दिया है, उसी अधिकारों की संरक्षण की बात करते हैं, जिससे कि आपका सर्वांगीण विकास हो जाए, वो मौलिक अधिकार कहलाता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार प्रजातांत्रिक समाज जो भी है, लोकतांत्रिक समाज के जीवन की एक अनिवार्य परिस्थितियां है, जिसके अनुपस्थिति में साधारणतया कोई भी व्यक्ति का विकास सर्वांगीण नहीं हो सकता। इसीलिए मौलिक अधिकार बहुत ही आवश्यक कह सकते हैं तत्व के रूप में संविधान में शामिल किया गया है। अब देखिए, अब आप लोग आगे आगे जो है मत लिखा कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं, आपको चैट पूछने के लिए दिया गया है, ना कि बताने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आगे आगे मत लिखिए, अगर आपको जानकारी है तो आप चुपचाप शांति से सुनिए, कुछ भी लिखना नहीं, पूछना होगा तो पूछिएगा। चलिए, इतना ही जानकारी है तो ये बताइए कि सर्वप्रथम कौन सा देश है जिसने मौलिक अधिकार की घोषणा की थी, अगर जानकारी है तो बताइए। अब आप ही लोग जब आप आगे आगे लिख रहे हैं आप लोग, तो आप बताइए कि मौलिक अधिकार की घोषणा सर्वप्रथम कब और किस देश ने किया था। इतना ही मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी है, जल्दी जल्दी बताते चलिए, ठीक है। मौलिक अधिकार की घोषणा, मौलिक अधिकार की घोषणा अपने नागरिकों के लिए किसने दिया था और कब दिया था संवैधानिक रूप से। सबका गलत है, किसी को भी नहीं पता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया जरूर गया है, लेकिन सर्वप्रथम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार फ्रांस ने दिया था 1789 ईस्वी में, संवैधानिक रूप से, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे अगर पूछे कि मौलिक अधिकार जो घोषणा पत्र है, सर्वप्रथम अपने नागरिकों को ब्रिटेन में दिया गया था, लेकिन संवैधानिक रूप से नहीं दिया गया था, वहां का जब राजतंत्र, वहां जब सामंती लोग रहते थे, सामंतवाद था, तो सामंतियों को कुछ शक्तियां दी गई थी, कुछ अधिकार दिए गए थे, अधिकार का घोषणा पत्र जो वहां के राजतंत्र के द्वारा दिया गया था, जिसको मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। लेकिन संवैधानिक रूप से अगर किसी देश ने मौलिक अधिकार दिया है अपने नागरिकों को, तो वो है फ्रांस, ठीक है। इसलिए आप लोग ज्यादा आगे आगे मत लिखिए, चुपचाप शांति से सुनिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ के आए, अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको आता हुआ भी क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। इसीलिए अभी हमने जैसे पूछा तो लगभग लोगों ने गलत बताया, तो उसी प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो देखिए मौलिक अधिकार क्या है, कि मौलिक अधिकार एक प्रकार से प्रजातांत्रिक समाज में जीवन के अनिवार्य परिस्थितियां प्रदान करता है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। वस्तुतः मौलिक अधिकार प्रजातंत्र के वो अधिकार हैं या वो स्तंभ हैं जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए परम आवश्यक है। अगर आप किसी व्यक्ति को बंद रखते हैं, उसको किसी धर्म को अपनाने के लिए जबरदस्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके साथ आप मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक जो उसका विकास होता, उसको आप रोक रहे होते हैं, ठीक है। तो मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को समाज में सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, राजनीतिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो, ठीक है, सांस्कृतिक स्तर पे हो, सभी स्तर पे विकास के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए संविधान जो निर्माता थे, उन्होंने मौलिक अधिकार को आपके संविधान में रखा, और आपको पता होगा कि मौलिक अधिकार आपके देश के जो संविधान में लिया गया है, वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये भी क्वेश्चन आपको इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है, डायरेक्ट 69 प्रशासनिक सेवा में ये क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि संविधान के केमे भाग में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, तो याद रखना है कि संविधान का जो भाग है वह भाग तीन, भाग दो में नागरिकता से संबंधित था,
अब हम लोग पहुंच चुके हैं भाग तीन और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको अगर एक बार पॉलिटी समझ लेते हैं तो उम्मीद कीजिए कि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग तीन में मौलिक, अच्छा एक क्वेश्चन यहां से एक ये भी पूछा गया था, आप लोग बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग बहुत मतलब पढ़ करके क्लास ले रहे हैं, आसान सा सब बताते हैं, ये सबको पता है, लेकिन अच्छा ये बताइए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संकल्पना कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया, ये भी सेम क्वेश्चन 69th बीपीएससी में पूछा गया है। 69th बीपीएससी जो अभी हुआ है उसमें प्रशासनिक सेवा वाला में पूछा गया, जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन पूछा था कि मौलिक अधिकार कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था, यानी मौलिक अधिकार की चर्चा की गई कांग्रेस के किस अधिवेशन में, आप लोग बताइए जरा, आप लोग पढ़ के आए हैं, अगर नोट्स पढ़े हैं, कंटेंट पढ़े हैं या कहीं किसी बुक को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। एक सेकंड, हाँ बोलिए, हेलो, हाँ बोलिए, बोल रहे हैं, अरे भाई अभी क्लास चल रहा है, कंपटीशन हब से बोल रहे हैं, कॉल करते हो आप और बोलते हो कौन बोल रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, अरे भाई रखो फोन, बिल्कुल सही, हाँ हेलो, हाँ हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए, क्लास ले रहे हैं, इस टाइम पे फोन करते हैं, क्लास नहीं पता आपको, इस टाइम पे क्लास लेते हैं, हाँ बोलिए क्या बात है, हाँ 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 अच्छा, जिस डेट में दिए मिला लीजिए ना, वो हो सकता है गड़बड़ होगा, चलिए बिल्कुल 1931 के कराची अधिवेशन में लिया गया था, यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, कई लोग को पता है कि क्लास लेते हैं फिर भी कॉल पे कॉल, मतलब एक बार काट भी दो तो चार बार पांच बार कॉल करते हैं, अब समझ में नहीं आता है, चलिए मोड ऑफ कर देते हैं। 69th बीपीएससी में ये क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा गया कि मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान में, बाद में लिखा तो गया, संकलन तो बाद में हुआ, लेकिन मौलिक अधिकार की चर्चा कि भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, इसकी चर्चा कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था, तो वह अधिवेशन है आपका कराची अधिवेशन 1931, सेम टू सेम, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अगले बार अब यह पूछ देगा, देखिए बीपीएससी का अगर आप पैटर्न जानिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा है इस बार फिर उसी जगह से उठाएगा और लेकिन दूसरा क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने उसकी अध्यक्षता की थी। तो जो लोग कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, बीपीएससी का तैयारी प्रशासनिक सेवा का भी करते हैं या पढ़ाई से इंटरेस्टेड हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको ये सब जानकारी पता रहती है, तो वो लोग जवाब भी दे दिए। और कई लोग भाग तीन अनुच्छेद 12 से 35 जो कॉमन चीज है वो सबको पता है, बीपीएससी आपको ये नहीं पूछेगा, ठीक है, जनरली आपको फंसाने का प्रयास किया। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा कि केमे कांग्रेस के अधिवेशन में, ठीक है, कितना ईस्वी में मौलिक अधिकार को रखा गया था कि भारतीय नागरिक को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए, तो कराची अधिवेशन याद रखिएगा 1931 में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने किया था, इसलिए आप लोग आगे आगे मत बोले, नहीं तो जो भी मेरे माइंड में रहेगा वो उड़ जाएगा, एस्केप हो जाएगा, और आप जो भी लिखेंगे हम उसी पे जो है आगे पीछे करते रह जाएंगे, ठीक है, तो बात को समझिए, चुपचाप शांति से सुनिए अच्छे से और ऑब्जेक्टिव सेट का प्रैक्टिस कीजिए, हमें पता है कि आपको कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
हमारा काम ही है रिसर्च करना, हम लोग क्वेश्चन पे ही रिसर्च करते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो लोग बैठ के पढ़ाई करते हैं और खास करके कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। चलिए, इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया है। अब देखिए 14, 15, 16 सबको पता होगा, अगर हम आपको पूछ दे कि अनुच्छेद 12 क्या चीज से संबंधित है, बताइए कितने लोग को पता है। अनुच्छेद 13 क्या चीज से संबंधित है, 12, 13 क्या चीज से संबंधित है, जरा बताइए अनुच्छेद 12 क्या चीज से संबंधित है। 12 चैट, देखिए चैट ऑफ करने के लिए नहीं है, चैट क्वेश्चन पूछने के लिए दिया जाता है आपको ऑप्शन, चैट में ऑफ क्यों करूं, आप लोग क्वेश्चन पूछिए, आगे आगे बस लिखिए नहीं, क्वेश्चन पूछिए आप लोग, बताइए अनुच्छेद 12 क्या चीज से संबंधित है और 13 क्या चीज से संबंधित है। चलिए नहीं बताएंगे आप लोग, मुझे पता है, आगे चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, याद रखना है आपको, ठीक है। जब संविधान का निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को दिए गए थे, लेकिन आगे चल करके संविधानिक प्रक्रिया संशोधन की जब प्रक्रिया होती है, 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, तो आपका जो अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 31 के तहत जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया, संपत्ति के अधिकार को क्यों नहीं दिया गया, देखिए क्या होता था कि कोई भी सरकारी योजनाएं हैं, अगर मान के चलिए एनएच पास करना है, ठीक है, एनएच गुजर रहा है और आपकी जमीन बीच में आ गई, सरकार कह रही है कि आप हमको अपना जमीन दे दीजिए, चूंकि आप एनएच के बीच में आपका जमीन आ रहा है, सड़कें बनेगी, विकास होगा देश का, आप बोल रहे हैं कि नहीं हम देंगे ही नहीं, मेरा मौलिक अधिकार है या मेरा संपत्ति, हमसे ये कोई नहीं छीन सकता। उस स्थिति में सरकार जो है जो विकास का कार्य था उसको रोकना पड़ जाता था कई बार। तो ये सब समस्या को देखते हुए उसने क्या किया सरकार ने, कि एक जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार दिया गया था संविधान में उसको हटा दिया गया, और उसको चूंकि मौलिक अधिकार प्रदान करना सुप्रीम कोर्ट का अनिवार्य कह सकते हैं कि आपका अगर कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट आपको वह अधिकार दिलाएगी ही दिलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर जो है आपका जो 7वां जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको भारतीय संविधान से जो मौलिक अधिकार का जो पाठ था वहां से हटा दिया गया, संविधान से नहीं हटाया गया, मौलिक अधिकार के भाग से हटा करके उसको विधिक का अधिकार दिया गया, कानूनी अधिकार दिया गया। आपकी संपत्ति है, आपके माता पिता की संपत्ति है तो आपका ही अधिकार होगा। अगर सरकार चाहेगी कि आपकी संपत्ति आपकी जमीनें आपसे ले तो आपको देना पड़ेगा सरकार को, बशर्ते उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, जो हर्जाना है, जो भी आपका जमीन का जो मुआवजा है कह सकते हैं वो आपको सरकार देगी, वही विधि का अधिकार है, कानूनी अधिकार, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा कि संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार की संख्या कितनी थी, तो मौलिक अधिकारों की संख्या संविधान निर्माण के समय 7 थी, जो कि आगे चल करके 44वां संविधान संशोधन जब हुआ उसके तहत जो अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और उसको 300 कौ में जाकर के रखा गया, और जिसको कि भाग अगर पूछ दे के में भाग में तो 12वां भाग है, संविधान का टोटल 22 भाग है, उसमें 12वें भाग में 300 कौ में इसको शामिल किया गया, किसको, तो संपत्ति के अधिकार को, याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6। फिर से एक बार, मौलिक अधिकार देने वाला पहला देश है अपने नागरिकों को, वो है फ्रांस। भारत में मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो
अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास के लिए मौलिक अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है, कह सकते हैं एक प्रकार से, जो कि मानव के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, या किसी भी देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए मौलिक अधिकार एक कह सकते हैं अति महत्वपूर्ण पाठ हो गया। चलिए तो अब चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आखिर मौलिक अधिकार क्या क्या है, क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, जो छह मौलिक अधिकार हैं वो क्या क्या अधिकार हैं, उसके तहत हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 12 आपका राज्यों का डिफिनीशन है, कोई संस्था के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से संस्था मिलकर के, चाहे संवैधानिक हो या गैर संवैधानिक, सब मिलकर के राज्य का निर्माण हुआ है, वो सब की परिभाषा उसमें डिटेल से चर्चा की गई। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं। देखिए, पढ़ते हैं तो आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ा कीजिए, मैं बार बार बोलता हूं कि लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, तब आपको कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 में अगर पूछे कि अनुच्छेद 13 क्या है, तो अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित संशोधन के बारे में चर्चा किया गया है। जैसे मान के चलिए कि आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, तो वो भी अनुच्छेद 13 के तहत ही हटाया गया, क्योंकि अल्पीकरण या उसको विस्तार करने की जो शक्ति है मौलिक अधिकार का, वो अनुच्छेद 13 में चर्चा की गई है कि संसद आपका जो है, संसद वो आपके मौलिक अधिकार को घटा बढ़ा सकता है। तो ये अस्थाई अधिकार नहीं है, ये अस्थाई अधिकार है, जान लीजिएगा। और कई बार क्या होगा कि आपको बस एक अधिकार जो है 20-21, जो कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, वो बस केवल आपके पास रहता है, बाद बाकी सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाते। कोरोना के टाइम पे याद कीजिए, क्या आप घूम सकते थे, क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे, नहीं जा सकते थे, आप भाषण नहीं कर सकते, सभा नहीं कर सकते थे, तो ये सब अधिकार, सांस्कृतिक जुलूस नहीं निकाल, सारे अधिकार आपके छीन लिए गए। केवल आपके पास कौन सा अधिकार था कि आपको कोई बंदी नहीं बना सकता है, और आपको जीवन जीने का जो अधिकार था अनुच्छेद 20, वो बस था आपके पास। तो यानी मौलिक अधिकार अस्थाई नहीं है, और जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, किसी परिस्थिति में देश में लग गया, आपातकाल की स्थिति आ गई, तो उस समय आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं आपसे, तो ये आपका अस्थाई अधिकार नहीं है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन किसी भी प्रकार से क्रिएट किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, केवल रट लिए कि अमेरिका के संविधान से लिया गया 300 को 1944 में संविधान संशोधन 1978 में, तो केवल रटने से नहीं होगा, वो रटना तो है ही, साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, जिससे कि अगर कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए आपके एग्जाम में, तो भी आप इजीली उस क्वेश्चन को जवाब दे पाइए। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब चर्चा करेंगे हम लोग समानता का अधिकार। अब याद कैसे रखिएगा, कहां से कहां तक, अभी हमने बताया कि आपको याद तो हो गया कि 12 से 35 तक भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। लेकिन कहां से कहां तक कौन सा अधिकार है, वो आपको याद करने में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछ दिया तो याद ही नहीं आ रहा है कौन सा अनुच्छेद था उससे रिलेटेड, तो एक ट्रिक याद रखिएगा, 5-4-2-4-2 5-4-2-4-2 लास्ट में तो एक है ही, तो देखिए 1-2-3-4-5-6 हो गया, 6 मौलिक अधिकार है। अब कहिएगा 5 क्या है, 5-4-2-4-2 एक याद कीजिए, 5-4-2-4-2 5-4-2-4-2 याद कीजिए, 2-3 बार रिपीट कीजिए, 5-4-2-4-2 5-4-2-4-2 बस। 5 यानी आपका जो शुरुआत करेंगे हम लोग, 14 से शुरुआत करते हैं, 5 जोड़ लेंगे, 14-15-16-17-18 ठीक है, 5 जोड़ लिए, ये जो पांचों है वो आपको समानता का अधिकार देता है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 आपको समानता का अधिकार देता है। ठीक है, 5-4-2-4-2 क्या करना है, याद रखना है 5-4-2-4-2 ठीक है, जो अनुच्छेद 14 से 18 5 है ना, 14-15-16-17-18 ये आपको समानता का अधिकार देगा।
अनुच्छेद 14 से 18 क्या है चर्चा, तो समानता का अधिकार की बात करेगा। पहला जो आपका मौलिक अधिकार क्या है, समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 याद रखना है। दूसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा क्या है आपका, स्वतंत्रता का अधिकार, चार इसमें जोड़ लीजिए, 18 तक तो हो ही गया, 19 20 21 22 चार हो गया, ठीक है 19 20 21 22 चार ही हुआ ना, तो चार आपके क्या हो गए, चार आपके हो गए स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 19 से 22 तक जो चर्चा किया गया है संविधान में, वो स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। याद रखना है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद आपका 19 से लेकर के 22 तक क्या है आपका, तो याद रखना है 19 से 22 तक जो है आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। पहला संविधान ने आपको समानता दे दिया, सभी नागरिक समान है, जिस प्रकार से प्रकृति ने सबको दो हाथ दो पैर दो आंख, और यही कोई आईएएस बन जाता है कोई ग्रुप डी भी नहीं निकाल पाता है, लेकिन सबको एक जैसा ही प्रकृति ने दिया है, ठीक है। वो जो जिस चीज जिस अंग का यूज किया, कोई ब्रेन का यूज किया तो ब्रेन तेज हो गया, जो फिजिकल वर्क किया शरीर का यूज किया उसका शरीर मजबूत हो गया, तो जो जिस प्रकार से यूज करा, लेकिन प्रकृति ने आपको जब बच्चा जन्म लेता है तो लगभग सबकी समान स्थिति ही रहती है। तो कहने का अर्थ है कि समानता का अधिकार एक प्रकार से नैसर्गिक ही अधिकार कह सकते हैं, प्रकृति भी आपको देती है, तो आपके संविधान ने भी आपको दे रखा है। 14 से 18 5 4 स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या आप गाय भैंस को बोलने पर रोक सकते हैं, प्रकृति ने उसको भी अधिकार दे रखा है ना। कुत्ता आप जाइए पास कीजिए, देखिए कुत्ता आप कितना भी चुप कराइए चुप हो जाएगा, अनजान व्यक्ति देखेगा तो वो भौंकेगा ही, उसका गुण है, प्रकृति ने उसको यह अधिकार दे रखा है। किस पे बोलना है किस पे नहीं बोलना है उसको कुत्ते को अच्छे से मालूम होता है, ठीक है, कि यह आदमी जो है सही है या गलत है, कुत्ता भांप लेता है और वह उस पे बोलता है। आप उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक पाइए, क्योंकि प्रकृति ने उसको नैसर्गिक रूप से वो अधिकार दे रखा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके संविधान ने भी, आप आपके देश में इतना आजादी है कि आप प्रधानमंत्री के बारे में भी बोल सकते हैं, आप किसी के बारे में भी बोल लेते हैं, कुछ भी बोल लेते हैं, ठीक है, राजनीतिक मुद्दा पे बहस कर लेते हैं। तो ये सब स्वतंत्रता का जो अधिकार संविधान ने आपको दिया, बोलने की आजादी, विचरण करने की आजादी, कहीं घूमने टहलने की आजादी, तो उसी के तहत आप कर लेते हैं। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध, 5-4-2, 5-4 के बाद क्या आएगा, 2-2-23-24, चूंकि यहां तक हम लोग 4 के तहत 22 तक पहुंच गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है, उसकी खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, बच्चों से काम जबरदस्ती नहीं करवा सकता है, महिलाओं से वेश्यावृत्ति नहीं करवा सकता है। तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 के तहत दिया गया, तो 2 हो गया। अब फिर 4 होगा, 4 के तहत सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति, सॉरी बीच में आपका जो 4 वाला ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो 5-4-2-4 चार के तहत हो गया आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आपको यह अधिकार है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो आपको अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है। फिर 5-4-5-4-2-4-2 29-30, यानी कोई भी धर्म के लोग हैं वो अपनी संस्कृति बचा सकते हैं, उसके लिए शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, जैसे मदरसा है तो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, खालसा यूनिवर्सिटी वगैरह देखते होंगे सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये 5-4-2 उनको वो अधिकार दिया गया है कि वह अपनी सांस्कृतिक बचाने के लिए अपनी धार्मिक साथ साथ जो शैक्षणिक गतिविधि कर सकते हैं। उसके बाद 31 तो आपका संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा ही दिया गया, सातवां अधिकार। छठा अधिकार अब है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत कोई भी संविधान के पार्ट में किसी भी प्रकार का जो मौलिक अधिकार है, बात बाकी तो संविधान संशोधन तो अनुच्छेद 368 के तहत होता है, लेकिन अगर मान के चलिए
इसमें सुधार करने की आवश्यकता है तो वहां संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार में संसद सुधार लाता है। तो संवैधानिक सुधार अगर केवल पूछे तो अनुच्छेद 368 ले जाना है जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, लेकिन अगर बात करें मौलिक अधिकारों में चेंजिंग लाने की बात होगी, जब संशोधन की बात होगी, तो अनुच्छेद 32 के तहत इसके तहत आपको यहां पे संशोधन किया जाएगा। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के पिता कहे जाते हैं, संविधान निर्माता कहे जाते हैं आपके देश के, उन्होंने कहा था अगर हमसे पूछे कि संविधान का आत्मा क्या है तो मैं एक शब्द में बोलूंगा अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो उन्हीं का कथन है कि अगर पूछ दे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है तो अनुच्छेद 32 को, याद रखना है अनुच्छेद 32 को किसको कहा है, भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, एक के एम पनिकर है, उन्होंने बोला था किसको, तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बता दिया, लेकिन जो कि आपके संविधान के निर्माता हैं भीमराव अंबेडकर, उन्होंने किसको बताया, उन्होंने किसको बताया तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा बताया। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इन्हीं तथ्यों को एक्सप्लेन कर लेते बस हो गए क्वेश्चन, यही सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसी में जो है 5-4-2-4-2 करेंगे तो पांचों के बारे में चर्चा करेंगे, अनुच्छेद जैसे 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 22, फिर आपका जो है 23, 24, फिर 25, 26, 27, 28, चार जोड़िए, तो 5-4-2-4-2-1, एक नहीं भी याद रखिएगा, 5-4-2-4-2, 5-4-2-4-2, बस आगे पीछे कीजिए। सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बस यही तो है। एक दो बार आप लोग रिपीट कीजिएगा, याद ही हो जाएगा। अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डीपली हम लोग डिटेल्स, चूंकि इस बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा था अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत, पूछा था अनुच्छेद 17 क्या चीज से संबंधित है, और कहिएगा ये भी बीपीएससी 69th के ही क्वेश्चन थे, प्रशासनिक सेवा, जो लोग बैठे होंगे उनको पता। अब कहिएगा कि सर चार ही चैप्टर में बोल रहे सब क्वेश्चन यहीं से आया है, सही में आया है, अगर आप शुरुआत का मेरा 4-5 क्लास का वीडियो देख के जाते तो 10 का 10 क्वेश्चन आपके पॉलिटी का बन जाता प्रशासनिक सेवा में गाइडी के साथ, जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा कि यही सब क्वेश्चन था सेम टू सेम। ठीक है, चलिए देखिए, स्टूडेंट को बोलने का अधिकार लिख रहे, बोलने का अधिकार है तो क्लास को डिस्टर्ब करने का अधिकार आपको नहीं है, आपको पूछने का अधिकार है, जब टीचर पूछे तब बताने का अधिकार है। ठीक है, बीच बीच में बिना मतलब का लिखने का अधिकार नहीं है, हम आप ही के लिए बोल रहे, कोई भी टीचर आपको डांटेगा, जब कोई भी पढ़ा रहा होता है कोई भी टीचर अगर आप बीच में कुछ भी लिखते हैं तो दिमाग उस पर जाता है, डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चूंकि जो जरूरत का चीज है वो खुद हम बता देंगे आप, हाँ जब पूछते हैं तो उस समय जवाब दीजिए, तब आपकी जो है महत्ता है, आप जो है अच्छे स्टूडेंट का लाइन। अब हम पढ़ा रहे हैं कुछ, आप लिख रहे हैं कुछ, देखिए जो आपका जो क्लास होता है ना ऑनलाइन, भले हम लोग आप लोग सामने में नहीं है लेकिन इतना जान लीजिए जो आप लिखते हैं वो मैं अच्छे से पढ़ता हूँ और उसी आधार पर आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, तो वो एक जीवंत क्लास लगता है। आप बोलते हैं कि सर लाइव क्लास का अलग मजा आता है, इसलिए मजा आता है कि चूंकि आप कुछ लिखते हैं हम पढ़ते हैं, हम बोलते हैं आप सुन रहे हो, तो जीवंत लगता है। रिकॉर्डेड सेशन आपको देते हैं तो आपको मजा नहीं आता है, बस अंतर यही है। आप बोलते हैं चैट बॉक्स ऑफ कर दीजिए, अगर मैं ऑफ कर दूंगा आपके भावनाओं को मैं नहीं समझूंगा, आपके मन में क्या चल रहा है नहीं, तो आपको मैं सुधार नहीं पाऊंगा। ठीक है, आपकी कमियां को जब तक मैं जानूंगा नहीं तब तक आपको बता नहीं सकता, इसीलिए ठीक है ज्यादा ये क्या डिस्टर्ब करने से अच्छा है कि आप लोग अच्छे से सुनिए समझिए, बाद बाकी एग्जाम दीजिए नौकरी लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष सभी समान होते हैं, जो कानून है
आपका चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो, उसके लिए कानून एक ही है। आपको पता होगा, अगर आप अमीर व्यक्ति भी मर्डर करेगा और गरीब व्यक्ति भी, सजा दोनों को समान ही मिलेगी, ठीक है। तो विधि के समक्ष सभी व्यक्ति क्या हैं? समान रूप से देखे जाते हैं, समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। किसी भी धर्म के नाम पे आप विभेद नहीं कर सकते हैं किसी व्यक्ति के साथ, यह आपके मौलिक अधिकार में ही वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कोई भी जाति धर्म को लोग मानते हैं तो आप उसके साथ विभेद नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो कानूनी रूप से आप अपराध कर रहे होते हैं। किसी भी धर्म को मान रहे हैं लोग तो उसको आप नहीं कर सकते हैं, विरोध या कुछ भी उसके खिलाफ नहीं कर सकते हैं। आपका संविधान आपको आपके जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, मूल के आधार पर विभेद नहीं करता है, ठीक है। लिंग, स्त्री पुरुष के आधार पे भी आपका विभेद आपका संविधान नहीं करता। वैसा रहता तो बहुत सारे जॉब है उसमें महिलाओं को रोक दिया जाता या पुरुषों को, तो यहां तो आपको बढ़ाने का प्रयास किया जाता, सभी लोग फॉर्म डालिए और सभी लोग उस काम को, जो उस काम के करने के लायक सक्षम है, सभी लोग उसको दीजिए। तो ये सब जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर जो किसी प्रकार का विभेद से जो प्रतिषेध की बात है, याद रखना है वो अनुच्छेद 15 की ही बात है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 जो है वो सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। अभी सरकारी नौकरी आया, बीपीएससी टीआरई 0.2 भरिएगा आप लोग, तो वो आपको जो अधिकार मिला है किसके तहत मिला है तो आपको पता होना चाहिए। वो अधिकार आपको अनुच्छेद 16 ही आपको सार्वजनिक पदों की नियुक्ति में जो समान अवसर दिया जा रहा है उसकी बात करता है। सार्वजनिक पदों में समान नियुक्ति की बात आपका अनुच्छेद 16 ही करता है, जिसके तहत सभी व्यक्तियों को फॉर्म भरने का अधिकार। कई लोग बोलते हैं कि सर आरक्षण क्यों दिया जाता है, ये तो समानता के अधिकार और जो है समान अवसर के अधिकार के खिलाफ में जाता है। सबको बराबर नंबर पे होना चाहिए, सबको समान अंक पे होना चाहिए। चूंकि यहाँ अनुच्छेद 15 बोलता है जाति लिंग पर विभेद नहीं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभेद नहीं होना चाहिए, एक तरफ जो है आप आरक्षण देकर विभेद ला देते हैं। तो अगर आप सोचिएगा तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं सबका जो है आपका एक्सेप्शन केस है, ठीक है। और उसको एक तरफ आपको संविधान मौलिक अधिकार देता है, दूसरी तरफ संविधान ही आपसे मौलिक अधिकार छीन भी लेता है। जान लीजिए, आपको अगर सरकारी जॉब में सबको समान नियुक्ति में बहाली का अवसर देता है तो उसमें आरक्षण की भी बात की गई है। तो आखिर आरक्षण क्यों दिया गया? तो सिंपल सी बात है, जो समाज के नीचे दबे कुचले कह सकते हैं, बरसों से जो शोषित लोग थे, जो आर्थिक रूप से विपन्न थे, संपन्नताएं नहीं है, उनके पास संसाधन का अभाव है, तो उनको संविधान ने मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ आरक्षण की बात की। जैसे कोई विकलांग है व्यक्ति और उसको जो पूर्ण शरीर वाला व्यक्ति है, हाथ पैर वाला व्यक्ति है, उसके साथ दौड़ाया जाए, क्या वो कितना भी मेहनत करेगा तो उसके साथ दौड़ सकता है? नहीं दौड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए? बैसाखी चाहिए या कुछ भी वैसा उसको जो कि साथ में चल सके। और जब तक व्यक्ति समान रूप से साथ में नहीं चलेंगे तो समाज में विभिन्नताएं रहेगी, समाज में नफरत की भावनाएं रहेगी और समाज को सही ढंग से सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता है। और उसी समय तरह तरह की विचारधाराएं जागृत होगी, मार्क्सवादी, माओवादी, इस तरह की विचारधाराएं तब ही आपके समाज में आता है जब बहुत ज्यादा असमानताएं रहती है। एक तरफ कोई बच्चा भूखे, नंगा, खाना पीना नहीं, भूख से तड़प रहा है, दूसरे तरफ जो है आप देखेंगे कि एक बच्चा रईसी का जिंदगी जी रहा है, तो कहीं ना कहीं जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके अंदर उस वर्ग के प्रति नफरत की भावनाएं आएगी और जब नफरत आएगा तो समाज सुचारू रूप से नहीं चलेगा। तो संविधान जो बनाया गया बहुत ही सोच समझ के बनाया गया और कि आगे चलकर जितनी समानताएं बढ़ेगी समाज का कल्याण उतना ही होगा, उतना ही लोग खुशहाल होंगे, वो सब देखते हुए यहां पे कुछ आरक्षण दिया गया। तो अनुच्छेद 16 के तहत
इसमें भी चेंजिंग हुआ, जैसे 16-6 में आपको सवर्ण आरक्षण दे दिया गया, तो ये सब भी क्वेश्चन कई बार 16-5-6 के तहत सवर्ण आरक्षण की बात की गई। पहले क्या था, शुरुआत में केवल और केवल SC ST लोगों को आरक्षण दिया गया, आगे चल करके OBC को दिया गया, फिर अब सवर्ण को दिया गया EWS। तो कहने का अर्थ है इसमें संशोधन समय समय पर होते गया, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए अनुच्छेद 17 क्या बोलता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, वह किसी भी जाति धर्म का है, उसके साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते हैं, यानी अस्पृश्यता का अंत है। पहले क्या था, पहले जमाने में, अभी भी आप देखिएगा, जो उच्च वर्ग के जाति के लोग हैं वो निम्न वर्ग के जाति के लोगों के साथ जो है छुआछूत की भावना रखते हैं। अगर कोई जो निम्न जाति का लोग है टच हो गया, या तो अपने आप को अशुद्ध मान बैठते हैं, या फिर उनको जो धार्मिक कर्मकांड है, पूजा पाठ, उसमें जाने नहीं देते, इस तरह की भावना आज भी आप देखिएगा जो समाज में है, रूढ़िवादी समाज है, वहां खास करके ग्रामीण जीवन में ये सब व्याप्त है आज भी। तो लेकिन संविधान ने इसको समाप्त कब कर दिया, तो 1950 में जब संविधान लागू हो गया था उसी दिन ये सब समाप्त हो गया था, अस्पृश्यता नहीं कर सकते, अस्पृश्यता का अंत छुआछूत। तो अनुच्छेद 17 ये भी क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी 69 के प्रशासनिक सेवा का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी 10-12 जो क्वेश्चन पूछे गए, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट है, लगभग एक क्वेश्चन जो है वो अलग से था, बाद बाकी इतना में ही आपके सारे क्वेश्चन आ गए। अब बताइए कि 4-5 क्लास में ही सारा पॉलिटी का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, नहीं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं, और मैं एग्जाम के पहले भी बोलता था, पॉलिटी के शुरू के ही क्लास जो होते हैं 5-6-7-8 क्लास जब आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको दिक्कतें नहीं आती है, और इक्का दुक्का क्वेश्चन अगर पंचायती राज व्यवस्था, बिहार से, विधानसभा से ये सब पूछ दे तो वो सब लोगों को पता ही रहता है। ऐसे भी क्लास हम करवाएंगे ही आपको अच्छे से, तो पॉलिटी आप इजिली अगर 9th-10th में है तो 40 में आप इजिली 35 तक जा सकते हैं। हिस्ट्री में कितना भी पढ़ा लूं आप 40 में 30-32 जाते जाते आपका दम बाहर हो जाएगा, यानी उससे ज्यादा आप नंबर नहीं ला पाइए। आप कितना भी ना पढ़ के जाइए हिस्ट्री में, आपको 40 में 30 नंबर से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और पॉलिटी कितना भी कम पढ़िएगा, एक बार भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो 40 में 35 नंबर कोई नहीं काटेगा, ठीक है। 35 और 30 कितना हो गया, 65 नंबर। और उधर 40 नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अगर आप अच्छे स्टूडेंट 30 ला सकते हैं, जनरल स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट है कम मेहनत करेंगे तो 25 नंबर। अब ये जोड़ लीजिए, 80 नंबर तो आपको ऐसे ही आ रहा, 1-2 नंबर 5 नंबर और घटा लीजिए, जबकि हम मिनिमम जोड़ रहे हैं हिस्ट्री का 30-40 में, और यहां पे 2-4 नंबर और घटा लीजिए, फिर भी आप अगर 70+ में रहते हैं तो आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाइएगा। 6-8 वाले बस यही है कि क्वेश्चन की संख्या घट जाएगी, वहां आपको यहां 40-40 रहेगा, दो ही सब्जेक्ट, वहां पे आपको सभी से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा। याद रखिएगा बीपीएससी में 1-5 बैठिए, 6-8 बैठिए, 9-12 बैठिए, सब में क्वेश्चन के लेवल सेम ही होंगे, बस क्वेश्चन की जो संख्याएं होगी वो घटेगी बढ़ेगी, बस यही अंतर रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। आप अपने नाम के आगे पीछे उपाधि नहीं लगा सकते हैं, आप इज्जत प्रतिष्ठा के लिए आपको श्री श्री, आप श्री लगाते हैं आपके गार्जियन में, आप अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकते। अब नाम ही श्री है तो वो अलग बात है, ठीक है, या कोई भी उपाधि आप आगे या नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं, संवैधानिक रूप से उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन विशेष केस यहां भी है, यहां पे विशेष केस क्या है, जैसे अगर आपको कोई पुरस्कार मिल जाता है देश रत्न का, भारत रत्न, ठीक है, तो आप लगा सकते हैं उस स्थिति में, ठीक है। अगर आप शहीद या कह सकते हैं कि आप वीरता वाला कोई कार्य करते हैं, कुछ उपाधि दे दी जाती है, तो उस स्थिति में लगाया जा सकता है आपके नाम के आगे, ठीक है। लेकिन सामान्यतः लोग को आपको उपाधि का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत कर दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 5-4। अब 4, 19, 20, 21, 22 ये क्या है आपका, अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, फ्रीडम। फ्रीडम क्या चीज का भाई, फ्रीडम तो सबसे पहला फ्रीडम आपको क्या दिया गया,
भाषण एवं अभिव्यक्ति, ये सारे 19 के ही चर्चा है, 19 का 1, 2, 3, 4, 5 कहिए या ABCD कहिए। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 को में दिया गया या 19A या 19-1 दे दे तो कोई बात नहीं, ऐसे भी लिखा रह सकता है, ऐसे भी लिखा रह सकता है, ऐसे भी लिखा रह सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है, सब एक ही चीज हुआ। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप भाषण दे सकते हैं किसी के खिलाफ, किसी के समर्थन में, किसी के साथ, कहीं भी, ये आपको आजादी है। शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सभा करने की आजादी, आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं लेकिन उसमें हथियार नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा, समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आप जैसे TET संघ बना लेते हैं, अभी BPSC TRE 0.1 संघ बन गया होगा, कुछ DLED वाले संघ में शामिल होंगे, कुछ BED वाले में शामिल होंगे, सब आपस में जो है नहीं क्रांति कर रहे होंगे कि हमारा हो जाए तो हमारा हो जाए, संघर्ष होगा तो उन्हीं का जिसको सुप्रीम कोर्ट चाहेगा, हमारे आपके कहने से वो तो निर्णय आएगी नहीं, आएगा वही निर्णय जिसको संवैधानिक रूप से उसको सही लगेगा, सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगेगा वही निर्णय देगा, और उसके एवज में हम लोग आप लोग यहाँ पे ट्विटर बार चल रहा है, फेसबुक बार चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ में, मतलब जो साथी था कभी DLED BED साथ ही बैठ के परीक्षा दिया होगा लेकिन आज दोनों अलग अलग संघ बना करके लड़ रहे हैं आप देखते होंगे। तो ये संघ बनाने की स्वतंत्रता की भी चर्चा 19 का जो है आपका 3 में दिया गया है। भारत के अंदर आप कहीं भी अबाध रूप से संचरण कीजिए, घूमिए टहलिए, जहां मन है वहां जाइए, आपको आजादी दी गई है। भारत के किसी भी क्षेत्र में, पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में नहीं आप बस सकते थे, लेकिन अब क्या है कि उस क्षेत्र में भी आप बस सकते हैं, किसी भी प्रकार का वृत्ति जो आप रोजगार करते हैं अपना, केवल इलीगल वर्क नहीं, आपके किसी भी वृत्ति आप जा करके वहां पे इलीगल वर्क कीजिए, जैसे बिहार में शराब बंद है और शराब कहिएगा हम बेचेंगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में आप किसी भी रोजगार को अपना सकते हैं लेकिन वह सरकार के नजर में इलीगल कार्य नहीं होना चाहिए, और वो लीगल इलीगल वह राज्य पे, उस देश पे डिपेंड करता है। कई बार किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में जो इलीगल कार्य है वो दूसरे राज्य में लीगल भी हो सकता है, तो आप वहां लीगल, जहां जैसे आप झारखंड चले जाइए, यूपी चले जाइए, वहां मद्रास सेवन लीगल है या बेच भी सकते हैं वहां, लेकिन आपके राज्य में इलीगल हो गया तो आप नहीं कर सकते, ये याद रखना। बाद बाकी आपको जो मन है जो काम करना है कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इलीगल काम को आपको नहीं करना। चलिए अब आ जाइए अनुच्छेद 20 क्या कहता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आपको संरक्षण दिया जाता है। अगर आपको कोई पुलिस पकड़ने आता है और आपको बंदी बनाने का प्रयास करता है ले जाने के लिए, तो आप उसको बोल सकते हैं कि हम पे क्या आरोप है वो आप दिखाइए। उसके बाद आप अपने जो शुभचिंतक या कह सकते हैं कि आपके जो प्रिय वकील है आप उसको रख सकते हैं अपनी लड़ाई के लिए, ठीक है। 24 घंटा के अंदर आप जो है कोर्ट में पेश हो सकते हैं, आपको बंदी नहीं बनाया जाएगा, ये सब आपको अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी आपको कोई कैद नहीं कर सकता है, आपको कोई मार नहीं सकता है, ठीक है। ये अधिकार देशी विदेशी सभी नागरिक जो भारत में हैं वर्तमान स्थिति में सबको दिया जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप किसी को भी कैद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 21 को शिक्षा संबंधी अधिकार, 21 को है क्या है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा वाला अधिकार, याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि जो आपको नौकरी मिल रहा है ना, इसी अधिकार के कारण ही, चूंकि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को पढ़ाना सरकार का दायित्व है और उस बच्चे का मौलिक अधिकार है पढ़ना, और उसको सरकार पढ़वाती है, इसीलिए आपकी बहाली हो रही है। कॉलेज में कहां बहाली हो रहा है, कहां देख रहे हैं आप जो है आपका जो प्रोफेसर की बहाली आ गई, चलो भाई 5,000 बहाली इस बार प्रोफेसर का निकल गया,
आता है नहीं आता है, चूंकि वह मौलिक अधिकार वहां पे है ही नहीं वो। तो बच्चों को जो है यहां पर शिक्षा संबंधी अधिकार जो दिए गए हैं उसी के तहत, शिक्षा संबंधी अधिकार के ही तहत ठीक है आपकी बहाली होती है। तो अनुच्छेद 21 को कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई है ठीक है। अनुच्छेद 22 है विरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण ठीक है। अगर आपको कोई गिरफ्तार किया, गिरफ्तार हो गए तो उस स्थिति में भी आपको संरक्षण दिया जाएगा ठीक है। अगर आप अपराधी हैं, कांड कर दिए, मर्डर हो गया, तो हो सकता है मॉब लिंचिंग हो जाए, जनता ही आपको उसी समय टिट फॉर टैट कर दे, खत्म कर दे, उस स्थिति में सरकार के जो कर्मी हैं, पुलिस कर्मी कह सकते हैं, अगर आप वहां पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पे वो मरने नहीं देगा, आपकी सुरक्षा देगा, संरक्षण देता है। यानी गिरफ्तारी के भी केस में आपकी सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है और कोर्ट निर्णय लेगा कि इस व्यक्ति को क्या सजा मिलना चाहिए, उसके हिसाब से आपको सजा मिलता है ठीक है। तो यही बोलता है ना कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। फिल्मों का डायलॉग आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। चलिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? तो अनुच्छेद 23 और 24 जो है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो 5-4-2-4-2 ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 23 के तहत जो है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी काम कीजिए धरती पे, उसके लिए आपको पहले तो पढ़ाई जरूरी है। क्योंकि आपको अधिकार के बारे में पता ही नहीं होगा तो आप दूसरे से क्या क्वेश्चन करेंगे ठीक है। कुछ भी काम करने के लिए आपको पढ़ना सबसे पहले जरूरी है ठीक है। हम तो कहते जो क्राइम करता है उसको भी पढ़ना चाहिए पहले, किस कांड के तहत कौन सा सजा मिल जाएगा। अगर आप सर के ऊपर मार दिए गलती से भी तो डायरेक्ट अटेम्प्ट टू मर्डर 10 साल बिना बेल का, कोई बेल आपको नहीं मिलेगा ठीक है। नॉन अवेलेबल वारंट होगा, 10 साल कैद रहना पड़ेगा। गलती क्या, तो एक फेट मार दिए ब्लड निकल गया बस। तो जो क्राइम करता है ना उसको भी पढ़ाई, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, याद रखिए। चलिए, बलाश्रम और मानवों के दुर्व्यापार का प्रतिषेध। यहां पे क्या है कि जो बलाश्रम है, बच्चों के से काम करवाते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उससे जो लोग काम करवाते हैं, या मानवों की खरीद बिक्री की जाती है, देह व्यापार करवाया जाता है, तो ये सब प्रतिषेध है संविधान के तहत। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उस पर जो है उसको सजा मिलती है। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने के लिए रोका गया है कि 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 15 आयु से कर सकते हैं ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 23, 24 समझ गए होंगे। अब आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ठीक है। आप देखते होंगे बस पे जाते होंगे तो अगर लिखा हुआ है महिलाएं एक तरफ पुरुष, लेकिन जब मूर्ख महिलाएं उस बस पे चढ़ती है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो बेचारी उसको उठाती नहीं है जो पहले से कोई पुरुष बैठा हुआ है या कोई भी बैठा है ठीक है, वृद्ध है या पुरुष है, उसको उठाती नहीं है। लेकिन थोड़ा भी पढ़ी लिखी महिला घुसती है तो सबसे पहले देखिएगी क्या लिखा हुआ है ऊपर, देख ली कहीं गलती से महिलाएं लिखा हुआ है, भले वह जो है किसी स्थिति में पुरुष है उसको उठाएगी, हटिए हटिए। तो उसके लिए भी मौलिक अधिकार या पढ़ा लिखा होना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है ठीक है। पढ़ाई हर एक परिस्थिति में आपको मदद करती है आपके सर्वांगीण विकास के लिए ठीक है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? देखिए,
आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हम किसी धर्म को माने, किसी की भी पूजा करें, हाँ मानिए कोई बात नहीं है, लेकिन प्रलोभन में नहीं। याद रखिएगा, कोई आया आपको और बोल दे कि हम आपको 1,00,000 रुपया देते, बस आपको क्या करना है, हिंदू धर्म से क्रिश्चियन बन जाना है और आप तैयार हो गए। और अगर ये बात सरकार को पता चल गई कि आपने उसके बदले में, धर्म परिवर्तन के बदले में जो है पैसा लिया है, धन लिया है, तो आपका खैर नहीं, आपको सरकार छोड़ने वाली नहीं है, आप कैद हो जाइएगा, जेल में चले जाइए। क्यों? उसके पीछे रीजन है, जब आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो आप ना केवल धर्म परिवर्तन करते हैं बल्कि उस क्षेत्र के, उस समुदाय के, वो उस जगह का इतिहास बदल देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए धर्म परिवर्तन इतना आसान भी नहीं है, जान लीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 25 अंतकरण की स्वतंत्रता। आप किसी धर्म को मानिए, हिंदू है, इस्लाम को मानिए, मान सकते, लेकिन किसी के दबाव या बहकावे में या प्रलोभन में नहीं, स्वेच्छा से। अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपने मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। आप कोई भी धार्मिक संगठन बनाते हैं, कुछ भी, जैसे आप संगोष्ठी करते हैं या धार्मिक सभाएं करते हैं, तो आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो या संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। आपकी इच्छा है तो आप चंदा दें, नहीं मन है तो नहीं दीजिए, आप पे कोई व्यक्ति दबाव बनाता है तो वो भी आपका अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। यानी अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय में, या कोई धर्म अपने धर्म की वृद्धि के लिए अगर आपसे कहता है कि इतना परसेंट हमको दीजिए धार्मिक रूप से, अगर आप स्वेच्छा से देते तो कोई बात नहीं। आपको पता होगा जो एक सिख धर्म है, कह सकते हैं कि एक प्रकार से हिंदू धर्म का ही पार्ट है, हिंदू धर्म से ही निकल के आया है। सिख, बौद्ध, ये सब जैन, ये सब हिंदू ही कहलाते हैं मेन रूप से। ठीक है, तो उसके तहत क्या है कि आपके धार्मिक रूप से 10 इनकम का जो है सर 10% वो लोग गुरुद्वारे को देते हैं, और उसी कारण से आप देखिएगा कि लंगर वहां चलते रहता है अमृतसर में, या जो भी आपका गुरुद्वारा होगा आप जाते हैं, आपको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था वो लोग आपको फ्री में मुहैया कराते हैं। आखिर उनके पास उतना धन कहां से आता है, तो उनके पास धन उनके ही समुदाय के लोग देते हैं, क्योंकि उनको अपनी वह स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, करों को संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है, वो अपना जमा करके लोगों को अपना धार्मिक कार्य में लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थिति होने के बारे में। अगर मान के चलिए प्रार्थना होता है, हो सकता है वो हिंदू से रिलेटेड, मान के चलिए संस्कृत का कोई वर्ड है या कोई देवी देवता का श्लोक है जो प्रार्थना में किया जा रहा है। जनरली स्कूल वगैरह में आप देखिएगा कि वैसे प्रार्थना का चयन होता है जो सभी धर्म को मिला जुला करके चले। जनरली सरकारी विद्यालय में आप सुनते होंगे तू ही राम है, तू रहीम है, तू ही कृष्ण खुदा हुआ, इस तरह के, यानी वो सभी धर्म को लेकर चल रहा होता है। लेकिन अगर कोई विद्यालय है, मान के चलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या कोई भी डीएवी पब्लिक स्कूल है, चूंकि वो सब आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, तो उस स्थिति में अगर मान के चले इस्लाम धर्म का मानने वाला बच्चा है या सिख धर्म का बच्चा है, अगर वो प्रार्थना में शामिल नहीं होता है तो कोई भी टीचर या उसका जो हेड है उसको जबरदस्ती उसमें शामिल नहीं कर सकता है। ये उसको आजादी होती है उस बच्चे को कि उसकी इच्छा है कि वह उस प्रार्थना में शामिल हो चाहे नहीं हो, उसको वो अधिकार है। ठीक है, तो वही है, उससे संबंधित है, तो इसके बारे में भी जानकारी हो तब तो चलिए। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अब कहिएगा ये क्या है, तो 5-4-2-4-2-2 पे आ गए हैं, 29-30 बस खत्म ही है, ज्यादा बहस ना करें चैट में, बस सुने शांति से, अब खत्म होने वाला है, फिल्म द इंड की ओर बढ़ रहा है। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्ग कहिएगा कि मुसलमान है, हाँ वो भी वर्ग है, हिंदू भी अल्पसंख्यक है, लेकिन कहां पे, तो पंजाब में। ठीक है, तो अल्पसंख्यक मतलब होता है जिसकी संख्या कम हो, इतना आप लोग समझ लीजिए। अगर जिस धार्मिक, जिस भी धर्म के लोग जुड़े हैं उस राज में, अगर उनकी संख्या कम है उस राज के लिए, वही अल्पसंख्यक हो जाते हैं। जैसे अगर आप पंजाब जाइए तो वहां सिख धर्म बहुसंख्यक है, हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है, इस्लाम धर्म अल्पसंख्यक है। उसी प्रकार से अगर आपके राज्य की बात करें बिहार में, तो सिख धर्म अल्पसंख्यक है, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग अल्पसंख्यक कहलाएंगे, जबकि हिंदू धर्म वाले बहुसंख्यक कहलाएंगे। बस जिनकी संख्या कम है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या बहुत है वो बहुसंख्यक हो गए।
तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात के लिए यहां पे अनुच्छेद 29 दिया गया है कि वो अपने संस्कृति को बचा सकते हैं। जैसे मान चलिए इस्लाम में है, उर्दू है या जो भी है, तो उसके लिए मदरसा विद्यालय स्थापित करने का है, मरकज मदरसा या इस तरह का है। जैसे खालसा विद्यालय वगैरह आप देखिएगा, सिख धर्म के लोगों के लिए है, हिंदू के लिए भी बहुत सारा है, हिंदू विश्वविद्यालय वगैरह है, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है इस्लाम जगत के लिए है, इस्लाम के लोगों के लिए, मानने वालों के लिए है। तो कहने का अर्थ है कि अपने लोगों के विकास के लिए कॉलेज संस्थाएं खोली जा सकती है और वहां पे अनुच्छेद 29-30 के तहत जो है अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने और उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता उसको दी गई है। तो ये आप समझ गए होंगे 29-30। अब सबसे अंतिम है जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वह अनुच्छेद 32 के तहत, इसी को भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा, संवैधानिक उपचार का अधिकार संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका तात्पर्य यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय क्रमशः अनुच्छेद 32, ठीक है, अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत आपके मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, जबकि हाई कोर्ट जो कि राज्य का उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो वो है अनुच्छेद 32, जबकि राज्य का जो हाई कोर्ट है वह अनुच्छेद 226 के तहत आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, याद रखिएगा। अब देखिए रक्षा करने के दरमियान वह जो है अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार के रिट निर्देश जारी कर सकता है। पहला है रिट, यहां पे जारी करने की बात है, निर्देश जारी करने की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को यह अधिकार है। जो 5 प्रकार के रिट हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात है, परम आदेश की बात है, प्रतिषेध की बात है, तो ये सब जो सारे रिट हैं यह हाई कोर्ट भी दे सकता है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी जो है रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे अधिकार हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिए गए हैं अनुच्छेद 32 के तहत। अब कहिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो यह एक प्रकार का आदेश है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर आप 24 घंटे के अंदर प्रेजेंट हो जाते हैं, अगर आप पे कोई भी मुकदमा है कोर्ट में अपने वकील के साथ, ठीक है, तो जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई होगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो भी बंदी है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होने के लिए लेटर आता है, आपको तुरंत कोई भी पुलिस पकड़ के नहीं ले जा सकता है, उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण के कारण आप बच सकते हैं, बशर्ते आपको 24 घंटे के अंदर फिर हाई कोर्ट पहुंचना होगा या जो भी कोर्ट है का मामला है वहां आपको पहुंच करके प्रत्यक्ष होना पड़ेगा। परम आदेश है, तो ये सरकारी कर्मियों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके काम से रिलेटेड कोई भी समस्या है या वह सही से काम नहीं कर रहा है तो उस स्थिति में वह परम आदेश देता है। तो खास करके परम आदेश किसको देता है, तो याद रखिएगा, ठीक है, जो भी सरकारी अधिकारी हैं उसको इसी आदेश के तहत अगर कोई वह कार्य नहीं कर रहा है, सही ढंग से नहीं किया है, ठीक है, या काम करने से इनकार कर रहा है, तो उस स्थिति में उसको परम आदेश दिया जाता है और वह मानना ही पड़ता है। लेकिन यह परम आदेश जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं, इसको नहीं दिया जाता है। कोई भी बाद बाकी जितने भी चाहे विधायक हो, मंत्री हो, चाहे आईएएस आईपीएस, सबको परम आदेश दिया जा सकता है। प्रतिषेध क्या है कि प्रतिषेध आपको खास करके सुप्रीम कोर्ट अपने जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उसको प्रतिषेध देता है, वो भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी जैसे आपका न्यायिक संस्था है या अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है, अगर वह बाहर आकर के कोई काम करती है तो उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जैसे मान चलिए कोई जिला न्यायालय है वो जो संविधान है उससे अलग हट करके कोई निर्णय दे दिया है
तो उस स्थिति में उसके खिलाफ यहां पे प्रतिषेध दायर किया जाता है किसके द्वारा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेषण, तो ये सब सारे ये भी जो है वही है कि जो भी अधीनस्थ न्यायालय है उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण के तहत, ठीक है, एक निर्देश जारी करता है। अगर वह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है, तो उसको वह किसी भी प्रकार का जैसे कार्य है अगर वह सही से नहीं कर रहा है तो उसको वह निर्णय दे सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो अब कहिएगा दोनों में अंतर क्या है, तो यह है कि जब वह मामला चल रहा होता है केस, तो उसी समय में यह जारी किया जाता है, उत्प्रेषण बाद में भी जारी किया जाता है, ठीक है। तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को ये सब आदेश दिए जाते हैं कि जो निर्णय हो वो न्याय संगत और संवैधानिक रूप से होने चाहिए, ठीक है। बस इतना आप लोग समझिए। एक है आपका अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो मेन रूप से आपको क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के रीट होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका अधिकार परीक्षा क्या है कि अगर कोई अवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति हो गया, अवैधानिक यानी उसमें कानून के तहत वह व्यक्ति जो है संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है, तो उसके खिलाफ में अगर कोई सुनवाई है या कोई उस पर लागू किया जाता है, ठीक है, कोई भी कह सकते हैं कि उसको आदेश दिया जाता है, तो वो अधिकार परीक्षा के द्वारा ही दिया जाता है। उससे पूछा जाता है कि आपके क्या अधिकार है, आप किस तहत जो है ये काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं इस तरीका से। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ ही होता है कि आपके क्या अधिकार है, ठीक है। तो आप अपने अधिकार के अंदर रह करके काम कीजिए, अगर आप अपने अधिकार से बाहर रह के काम करते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको अधिकार परीक्षा के तहत, ठीक है, वारंट, यहाँ पे इसको कुओ वारंटो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करती है, ठीक है। और फिर लोकहित याचिका के बारे में सुनते होंगे, ठीक है, तो जनता के हित की बात होती है, वहां पर कोई भी मुद्दा है जो सार्वजनिक रूप से सभी जनता के लिए जरूरी है, करेगा कोई एक व्यक्ति लेकिन फायदा जो है वो सबको मिल जाता है उस स्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे मौलिक अधिकार की विशेषताओं के बारे में, ठीक है। कॉन्सेप्ट खत्म है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीट कितने प्रकार से होते हैं ये पूछा जा सकता है, और उधर तो आपको अच्छे से हमने बता ही दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब विशेषता क्या, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सर्वाधिक विवादास्पद एवं आलोचित भाग बताया था, संविधान सभा ने इसके विचार पर 38 दिन लगाए थे, अंत में इसे 7 श्रेणियों में बांटा गया था, जो कि आपके 7 अधिकार दिए गए थे, ठीक है। अनुच्छेद 20 21 को छोड़ करके सारे अधिकार राष्ट्रपति के आदेश पर निलंबित किए जा सकते हैं। ये अधिकार केंद्र और राज्य की शक्तियों पर भी सीमाएं लगाते हैं और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये वो अधिकार हैं जो राज्य को भी कंट्रोल कर देता है, केंद्र को भी, कि आप जनता से उसके मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। याद रखना है, विदेशी व्यक्ति को अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 25, 27 प्राप्त होता है, आपको कल भी बताया था, जैसे 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल और केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होते हैं। इसमें संशोधन किया जा सकता है मौलिक अधिकार में, इसका प्रभाव सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों संस्थाओं एवं व्यक्तियों पर होता है। महत्व लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने में, व्यक्ति के भौतिक सामाजिक नैतिक विकास में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में, अल्पसंख्यकों को उसके अधिकार दिलाने के रूप में कह सकते हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर प्रदान करने में ये आपका क्या करता है, मौलिक अधिकार जो है भूमिका निभाता है, ठीक है। साथ साथ और भी तथ्य है कि किस स्थिति में स्थगन किया जाता है क्या, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाते हैं, तो इसकी आलोचना लास्ट में की गई है कि किस प्रकार से इसको आलोचना भी आप लिख सकते हैं या जानकारी रख सकते हैं, उससे रिलेटेड है। आपको प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो शुरुआत में हमने बताया
ठीक है, शुरू का जो सभी जो छह मौलिक अधिकार हैं वहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सारे तथ्य को हमने अच्छे से स्पष्ट कर दिया है, बाद बाकी आप लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग अच्छे से लूसेंट हो या टेस्ट में भी होगा आपका पॉलिटी का पार्ट टेस्ट में मौलिक अधिकार का क्वेश्चन, उसको आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाद बाकी चैट बॉक्स में जो है उतना ही जरूरत के ही चीज़ों को आप लोग लिखा करें। ठीक है, क्लास डिस्टर्ब ना करें, मैं यही कहूँगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही, ठीक है, चलिए।